ट्रायंगल एबीसी। हाँ भाई हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया, सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए। अगेन वही वाला पार्ट है कि मुझे एक पार्ट चाहिए और होल साइड चाहिए। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, LM पैरेलल टू CB, LN पैरेलल टू CD, और मुझे करना है एक ट्रायंगल में AM अपॉन AB द होल साइड, दूसरे ट्रायंगल में AN और होल साइड AD, ये मुझे प्रूफ करना है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भाई आप सिर्फ ये देखो कि LM और CB पैरेलल कौन से ट्रायंगल में हैं। ABC, ABC, वेरी गुड, हमारे पास हो गया ABC और इसमें LM BC के पैरेलल है। तो सब बच्चे जरा इतना पार्ट तो करो, शाबाश, कि भाई क्या करोगे आप? आप करोगे इन ट्रायंगल ABC, ABC क्या दिया हुआ है सर? LM पैरेलल टू CB। सब बच्चे प्लीज ध्यान से, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो इक्वल इक्वल, तो रेशो क्या लिखोगे आप? रेशो क्या लिखोगे? AM अपॉन MB, AM अपॉन MB इक्वल टू LC। ये बात सबको समझ में आ गई? आप लिख लेंगे, आप लिख लेंगे AM अपॉन MB एंड AL अपॉन LC। अच्छा जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया है, क्या आपको थोड़ा सा याद है कि जिसको भी मुझे बचा के रखना होता है, एक तो हम वन प्लस करेंगे तो होल साइड आ जाएगी, तो जिसे मुझे बचा के रखना होता है वो अपॉन में होना चाहिए, यस और नो? हाँ भाई वो अपॉन में होना चाहिए, वरना मुझे रेसिप्रोकल करके रेशो लेना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे, मुझे जो यहाँ पे सेव करना है बेटे, वो सेव करना है AM को। तो अच्छा होगा अगर इस रेशो को आप AM अपॉन MB ना करें, MB अपॉन AM कर लें, फर्क नहीं पड़ेगा, एक लाइन और रिवर्स करने के लिए लिखनी पड़ती है और कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है कि AM को अपॉन में लिख लो। अब मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, चलो आपने लिख दिया तो हम इसी को इसी तरह से लेके चलेंगे। अच्छा बताओ, चलो ये हमारे पास आ गया भाई BPT, बताओ एक और दिया हुआ है LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD कौन से ट्रायंगल में? ADC, ADC, तो लिखो भाई इन ट्रायंगल ADC, और हमारे पास क्या है सर? LN पैरेलल किसके है सर? CD, वेरी गुड। अब इससे हमारे पास रेशो क्या हो जाएगा सर? इससे रेशो हो जाएगा सर AN अपॉन ND, ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC, AL अपॉन LC, ठीक है, ये गिवन था, ये BPT आ गया, ये गिवन था, ये BPT आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड। जब हमने फर्स्ट और सेकंड को यूज कर लिया तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पास आया क्या। वन एंड टू को क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप? तो हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? AL अपॉन LC यहाँ पे भी है और AL अपॉन LC यहाँ पे भी है। वन एंड टू हमारे पास क्या आ जाएगा सर? AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND, यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए। सब बच्चे बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब होगा क्या? होगा क्या बेटे, जो मुझे प्रूफ चाहिए प्लीज ध्यान से देख लीजिए, प्रूफ में चाहिए AM, तो मेरे पास AM है लेकिन अपॉन में AB चाहिए और मेरे पास आ रहा है MB, AB नहीं है, और AB तब आएगा जब हम AM और MB को प्लस कर देंगे, दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, और प्लस करने का तरीका मैंने बताया था वन ऐड करके, इसी तरह से, यस, इसी तरह से राइट साइड में मेरे पास AN है, तो AN तो आया हुआ है मेरे पास लेकिन AD नहीं है, ND है, तो अगर AN प्लस ND को ऐड कर दूं तब आ जाएगा, तो एडिंग वन बोथ साइड। लेकिन अगर आप एज इट इज वन ऐड करोगे तो नीचे अपॉन में MB है, MB आएगा, AM नहीं आएगा, तो मुझे यहाँ क्या करना है? मुझे इसको रेसिप्रोकल करना है, तो मुझे करना पड़ेगा MB को अपॉन में ले ऊपर ले लीजिए, AM को नीचे ले लीजिए, ND को ऊपर ले लीजिए, AN को नीचे ले लीजिए। अब आप लिख दीजिए एडिंग वन,
बोथ साइड्स, तो आपके पास आएगा 1 plus MB upon AM एंड 1 plus ND upon AN. तो ले जाओ भाई AM plus MB, एंड AN plus ND S. तो AM plus MB क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास क्या है, ये है AM और ये है MB, दोनों को प्लस करेंगे तो AB हो जाए, और ये है AN और ये है ND, दोनों को प्लस करेंगे तो AD हो जाए, तो यहाँ हो जाएगा AD. इसे फिर दोबारा से रेसिप्रोकल कर लीजिए, AM को ऊपर ले आइए, AB को नीचे लाइए, AN को ऊपर लाइए, AD को नीचे. बताइए कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ जी. Yes, तो ये दो क्वेश्चंस थे जो थोड़े से समझ आया. अल्हम्दुलिल्लाह, चलो जी, बहुत अच्छी बात है. तो ये दो क्वेश्चन थे जिनको हम एडिशनल कहते हैं, जिनमें हमें वन पार्ट ऐड करके करना होता है. इसको सब बच्चे प्लीज इसकी वीडियो को दोबारा से एक एक बार रिवाइंड करके, पोज करके, रोक रख के, एक एक चीज को समझ के करेंगे. उम्मीद ये, एक बार थोड़ा सा भी अगर जहन में अटक गया तो इंशाल्लाह ये हमेशा के लिए रहेगा. गुड, चलो जी सर, दो क्वेश्चन रह रहे हैं, वो बिल्कुल सिंपल है, उनमें कुछ ज्यादा करना नहीं.